लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो लवली दिल्ली में टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 31 अगस्त 2023 को अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लवली शीला दीक्षित की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। अरविंदर सिंह लवली पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखे, उन्होंने कहा दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ था जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जूटे, मनगढ़ंत और दुर्भाग पूर्व भ्रष्टाचार के आरोप में लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल और नॉर्थ वेस्ट से दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज को उम्मीदवार बनाया है।